हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ और कहानी का नाम है कौवा और लोमड़ी की कहानी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप बहुत ध्यान से कहानी को सुनिएगा। किसी जंगल में एक कौवा रहता था। एक दिन कौवे को बहुत जोरों की भूख लगी और उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। कौवा खाने की तलाश में दूर उड़ गया और दूर जाकर उसे एक घर के पास रोटी मिली। कौवा रोटी को चोंच में उठाकर दूर जंगल में उड़ गया और कौवा बहुत खुश हुआ कि आज मुझे भरपेट खाने को मिलेगा, मुझे आज एक रोटी मिल गई है। ठीक है, तो कौवा खुशी से झूम उठा और रोटी चोंच में दबाए हुए वह पेड़ की डाल पर बैठ गया। उसने सोचा, अभी थोड़ी देर में मैं रोटी खाऊंगा। तभी थोड़ी देर बाद वहां से एक लोमड़ी निकली। लोमड़ी चालाक लोमड़ी, उसने देखा, अरे कौवे के पास तो एक बड़ी सी रोटी है, क्यों ना कौवे से ये रोटी ले ली जाए, क्योंकि लोमड़ी भी भूखी थी। तो लोमड़ी ने सोचा, कौवा ऐसे तो मुझे रोटी देगा नहीं अगर मैं मांगूंगी तो, इसे चालाकी से मैं रोटी लेती हूँ। तो लोमड़ी ने चालाकी दिखाई। लोमड़ी कौवे से बड़े प्यार से बोली, कौवे भैया, कौवे भैया, आपकी आवाज तो कितनी मीठी है, और जब आप अपनी मीठी आवाज में गाना गाते हो तो वो और भी मधुर लगता है। कौवा अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, क्या सचमुच मेरी आवाज इतनी मीठी है? तो कौवा थोड़ी देर बाद कौवे ने जैसे ही गाना गाने के लिए अपना मुंह खोला, वैसे ही रोटी नीचे गिर गई और लोमड़ी बहुत खुश हुई। लोमड़ी ने रोटी नीचे से उठाई और लोमड़ी ने वो रोटी अपने मुंह में ले ली और रोटी लेकर वहां से भाग गई, जंगल की ओर दूर चली गई। और कौवा यह देखकर पछताने लगा, हाय मेरी रोटी। कौवा पछता कर सोचने लगा कि मुझे लोमड़ी की बात में नहीं आना चाहिए था, और वह दुखी होकर बैठ गया और कौवा देखता रह गया, अरे मेरे साथ यह क्या हो गया। और वह बहुत देर तक पछताने लगा, मुझे लोमड़ी की बातों में नहीं आना चाहिए था। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें झूठी प्रशंसा करने वालों से सावधान रहना चाहिए, हमें अपनी योग्यता को खुद पहचानना चाहिए। ओके, थैंक यू।